फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आज का हमारा सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग ऑडिटिंग क्या होती है और इसका क्या पर्पस है, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ने वाले हैं, इसको हम साथ में समझते हुए स्टार्ट करेंगे आज के चैप्टर कॉन्सेप्ट्स, ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स। ऑडिटिंग क्या है हम समझेंगे। ऑडिटिंग बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट और चेक करने का एक तरीका है, ऑडिट, जिसे हम बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट ऑडिट इज बेसिकली एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब सोचने वाली बात है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने के पीछे पर्पस क्या है। तो ये मतलब मैं आपको ऑडिट का यहाँ पे इसलिए समझा रही हूँ कि हमें ये पता चले कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे हमारा मोटिव क्या है। ऑडिट करना, या आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि उस कंपनी का ऑडिट हो रहा है, या ऑडिट की क्यों नीड होती है, या फिर ऑडिटेड स्टेटमेंट का रेलेवेंस क्या है, राइट? तो ये समझने के लिए हम आज अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करें, जिसे बोलते हैं ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट, राइट? तो सबसे पहले छोटी सी एक छोटा सा ब्रीफ देते हुए हम स्टार्ट करेंगे। ऑडिटिंग का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना, इन ऑर्डर टू नो whether the books of accounts or the financial statements of a company, whether they shows a true and fair view of the state of affairs of the company or not. इसका मतलब है आप ऑडिट के थ्रू ये जान सकते हो कि जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझे तो हम पीएनएल, बैलेंस शीट, इन्हीं सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। आप लोगों ने ये चीजें बहुत ज्यादा अकाउंट्स में पढ़ी हुई है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट या इन्वेस्टिगेट इसलिए करते हैं ये जानने के लिए कि जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू बताया जा रहा है, क्या वो एक्चुअल में पिक्चर, ट्रू पिक्चर वही है या कुछ और है। ऐसा तो नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और दिखा रहे हैं और एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर कुछ और है। So this is basically the purpose behind doing auditing, right? So here we start with the chapter auditing concepts. Okay, audit word basically derived from the Latin words audire, jiska matlab hota hai to listen. Audit is basically an investigation of books of accounts so as to enable the auditor to make a report on the financial statement. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑडिट का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना। अब आप लोग बोलोगे ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहा है, ये चेक करने के लिए हम किसको अपॉइंट करते हैं? ऑडिटर को। ये जो ऑडिटर होता है ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। ये लाइन से ये समझ आता है कि ये वो इंडिविजुअल नहीं है जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अगर मैं एक कंपनी की बात करूं तो कोई भी कंपनी के, आपको पता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कौन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का काम या जिम्मेदारी कंपनी की मैनेजमेंट की होती है। और जैसे हमने कंपनी लॉ में पढ़ा है कि जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट अलग होती है और ओनरशिप अलग होती है। यानी कि अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो मैनेजमेंट बेसिकली डायरेक्टर्स वगैरह, उन जो हमारे जिनको हम कंपनी के एम्प्लॉयज बोलते हैं, उनके हाथ में होती है। और उसमें एक हायरार्की होती है, टॉप, मिडल और लोअर लेवल, जो बेसिकली कंपनी की रनिंग और कंपनी का डे टू डे एक्टिविटीज और कंपनी को कैसे चलाना है, क्या क्या करना है, दैट दे ऑल डन बाय देम। और हमें ये भी पता है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट में होता है दे आर नॉर्मली द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, मैनेजमेंट सब कुछ वही लोग देखते हैं। और जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का काम होता है वो भी मैनेजमेंट का ही होता है। यानी कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें ही प्रिपेयर करना होता है कि कंपनी का पीएनएल क्या है, बैलेंस शीट क्या है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉसेस में चल रही है, कंपनी के पास कैपिटल फंड कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? तो ये जो ऑडिटर होता है इसको अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा मैं अपनी और क्लासेस में भी, कई बार कंपनी लॉ की क्लासेस में भी हमने ये डिस्कस किया है
कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, एक तरह से दे आर दी ओनर्स ऑफ दी कंपनी, जिनका काम सिर्फ एजीएम में आना और कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना जो भी होते हैं दैट वी हैव डन इन कंपनी लॉ आल्सो। तो उनको ये कैसे पता चलेगा कि जो उनकी कंपनी है वो कंपनी कैसे चल रही है? क्या जो मैनेजमेंट उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाती है, क्या एक्चुअल में कंपनी उसी प्रॉफिटेबिलिटी पे है या उतने ही लॉसेस पे है, या फिर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में शो होती है क्या कहानी वही है या कहानी कुछ और है? तो ये जानने का हक बिल्कुल कंपनी के ओनर के पास है, उसने पैसा लगाया हुआ है कंपनी में, तो शेयर होल्डर्स कंपनी के लिए ऑडिट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। और ऑडिटर का काम क्या होता है, ये पता करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट शो कर रही है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जा रहा है क्या वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, ये काम सौंपा जाता है ऑडिटर को, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं जिसको एजीएम में, और वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके, अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट प्रिपेयर करके किसको सबमिट करते हैं, शेयर होल्डर्स को, और फिर उस पे डिस्कशंस होती, मैनेजमेंट भी उस पे जवाब देती है कि ये जो जो रिपोर्ट ऑडिटर ने बनाई है अगर उसने कमी पेशी कोई निकाली है तो उस पे आंसर मैनेजमेंट को करना पड़ता है, किसके सामने, शेयर होल्डर के सामने। तो बेसिकली इससे हमें ये समझ आता है ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कंपनी की, जिससे कि हम ये पता कर सके कि क्या कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू, स्टेट ऑफ अफेयर उसका ट्रू एंड फेयर व्यू है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा है मैनेजमेंट द्वारा, राइट? तो बेसिकली ऑडिटिंग इज इन्वेस्टिगेटिंग, इंस्पेक्टिंग, कंपेयरिंग, चेकिंग, रिव्यूइंग, वाउचिंग, एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न टू हैव अ करेक्ट एंड ट्रू आइडिया ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो बेसिकली अगर हम ऑडिटिंग को समझें तो इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि ऑडिटिंग में आपको क्या क्या चीजें देखनी हैं। आप ऑडिटिंग में इन्वेस्टिगेशन होती है, इंस्पेक्टिंग होती है, कंपेयर किए जाता है, चेकिंग की जाती है, रिव्यू दिए जाते हैं, वाउचिंग, एग्जामिनिंग, वेरीफाइंग की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी बिजनेस कंसर्न की होती है, ये पता लगाने के लिए कि जो भी फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो क्या पूरा सही है एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट। तो ये रिपोर्टिंग ऑडिटर को, शेयर होल्डर्स को देनी होती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है ऑडिटर के लिए, राइट? उसके आगे हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू SA 200। अब आप लोग सोचेंगे अब ये SA 200 क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, राइट? ये कुछ स्टैंडर्ड जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अकाउंट्स के लिए, जो कि क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग की जाती है, उसी तरह से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाए गए हैं जिनको, जिनके अकॉर्डिंगली या जिनको बेस बनाकर ऑडिटर्स को ऑडिटिंग करनी होती है। तो SA 200 ये कहता है कि ऑडिट करने के लिए बेसिक क्या प्रिंसिपल्स एक ऑडिटर को फॉलो करने हैं। तो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जैसे मैंने आपको बोला ऑडिटर कोई बाहर की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, और यू कैन से ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन जिसको शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। तो ये मुझे बार बार बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि ये जो ऑडिटर है इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का ये एम्प्लॉय नहीं है, इसको ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट पर्सन है क्योंकि इसको एक इम्पार्शियल और एक ऑब्जेक्टिव और एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रख कर ही इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है। तो एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा नहीं होता, मैं इंडिपेंडेंट वर्ड पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ, इस लाइन का मतलब ही ये है, इस शब्द का मतलब ही यही है कि उसकी एक इम्पार्शियल अप्रोच होनी चाहिए जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का,
या किसी फर्म का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जाता है। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, राइट। उसके आगे हम चलते हैं, मीनिंग ऑफ ऑडिट कंटेन्स। ऑडिट में क्या क्या, इसका मतलब क्या बताया गया है, ये एक इंटेलिजेंट और क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। इसको एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन ही करता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो ये क्वालिफाइड पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अलग अलग ऑडिट्स के लिए अलग अलग ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो इनमें से कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है। सो इट इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। और ऑब्वियस ही बात है, ये जिन भी मैं प्रोफेशनल्स के नाम ले रही हूँ, ये सब इंडिपेंडेंट, यानी कि दे सपोज टू बी इन प्रैक्टिस, राइट। सो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट। यानी कि जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, उसको जब ये वेरिफिकेशन करनी है, ही नीड टू टेक द हेल्प ऑफ द क्लाइंट्स। यहाँ पे कौन से क्लाइंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी की बात हो रही है जिसमें ऑडिट करने ऑडिटर गया है। तो ऑडिटर सैटिस्फाई हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो उसको चेक करना है, उसे अपने आप को सैटिस्फाई करना है, उसे अपने आप को ऑथेंटिकेटेड उसको लगने चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं मैनेजमेंट द्वारा, कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट द्वारा ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, और उस पे ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर है। ऑथेंटिसिटी जेन्युइन होने जरूरी है, राइट। तो इसके बेसिस पे चीजें होती हैं। ऑडिटर रिपोर्ट्स दैट द बैलेंस शीट, ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है कि जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही है कंपनी के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स द ट्रू एंड फेयर व्यू। आपकी बैलेंस शीट क्या बता रही है, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है, क्या एक्चुअल में उतने ही एसेट्स हैं कंपनी के पास, क्या लाइबिलिटीज उतनी ही हैं जो शोन है, या जितने फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स दिखाए जा रहे हैं, क्या एक्चुअल में कंपनी के उतने ही फंड्स हैं या नहीं है। और अगर पीएनएल अकाउंट की बात करें, तो जो पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाया जा रहा है, क्या एक्चुअल में एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज, एक्चुअल में जो फिगर्स दिखाई गई हैं पीएनएल अकाउंट में, वो सही है, कहीं ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन तो नहीं है। अब आप लोग सोचोगे, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या है। अगर मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, हमें पता है ना पीएनएल के दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट में एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट में इनकम आती है। ऐसा तो नहीं कि मैंने इनकम ज्यादा दिखाई है जबकि एक्चुअल में कहीं से इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा, और मैंने एक्सपेंसेस ज्यादा कम दिखाए हैं अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए। या दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपने अपने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाए हुए और इनकम कम दिखाई हुई है। एक्सपेंसेस ज्यादा और इनकम कम दिखाओगे तो हमें पता है नेट लॉस ज्यादा दिखेगा। आपको एक एक आइटम जो पीएनएल और बैलेंस शीट में दिखाई गई है, जो भी आपका ऑडिटर है, ही सपोज टू चेक इट इन डेप्थ। उसको उसकी सोर्स तक जाना है, ही नीड टू चेक ईच वाउचर्स, ही नीड टू चेक एवरी डॉक्यूमेंट्स जिनके बेसिस पे वो एक्सपेंस इनकर हुए हैं, प्रूव हो सके वो रेवेन्यू जनरेट हुई है, वो भी प्रूव हो सके। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ तक ऑडिटर का रोल क्या है और ऑडिट का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, व्हाट आर द इसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, राइट। What are the essential features of auditing? आपको evaluation करनी है, verification करनी है, किस चीज की, relevance, reliability and adequacy of evidence. आपने बोला कि मेरे हिसाब से ये expense इतना है, इतना जितना दिखाया गया है उससे ज्यादा खर्चा किया है company ने, आप उस चीज को prove कैसे करोगे, how will you prove that, right? How will you प्रूव दैट, आप ये प्रूव कैसे करोगे। तो वो प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एडिक्वेसी दिखानी है, आपके पास एविडेंस होने चाहिए, एंड एवरीथिंग शुड बी इन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। आप अपनी बात, आप वर्बली कुछ भी बोल दोगे, माना आप ऑडिटर हो,
विल गोइंग टू टेक यू, आपकी वो बात मानी ही नहीं जाएगी। आपको अपनी बोली हुई, अपनी बताई हुई या अपनी फाइंडिंग्स को प्रूव करने के लिए एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस दिखाने पड़ेंगे इन सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपको लग रहा है जी कोई एक्सपेंस कम दिखाया ज्यादा है, आपके हाथ कोई वाउचर लगा है आप वो शुरू कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट या कोई एक्सप्लेनेशन आपको कहीं से पता चली, आपने डेटर्स के अकाउंट्स चेक किया और उनसे क्रॉस वेरीफाई कर लिया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया आपने। अब आप लोग बोलोगे अब ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है, हम एसेस पढ़ेंगे, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे ऑडिटिंग करने के लिए कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं और उन स्टैंडर्ड्स में क्या दे रखा है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा स्टैंड SC 200 जो कि बेसिक प्रिंसिपल गाइडलाइंस आपको बताता है ऑडिट करने के लिए, राइट। सो इट इज एनालिटिकल क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटेड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। आपको सिर्फ यही चेक नहीं करना कि अकाउंटिंग क्या बोलती है आपकी, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको कंपनी के अंदर के कंट्रोल्स भी चेक करने पड़ेंगे कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं। आपको पता है जब एक कंपनी रन हो रही है या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस कंसर्न काम कर रहा है तो कुछ कंट्रोल्स, गुड इंटरनल कंट्रोल्स होने जरूरी हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए, क्या उसपे एडिक्वेट यूजर आईडी और पासवर्ड एलोकेट किया हुआ है, या ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आए और एंट्री करके चला जाए। अगर इस तरह के कंट्रोल्स हैं तो दैट मीन्स सच कंट्रोल्स आर नॉट गुड। इंटरनल कंट्रोल्स को गुड होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये कुछ की पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ बार बार, क्योंकि जब आप ऑडिटिंग का एग्जामिनेशन पेपर राइट डाउन करोगे तो आपको पता होना चाहिए किन की पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। सो व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको किस पे फोकस करना है? आपको रिव्यू करना है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए, और इंटरनल कंट्रोल्स क्या कहते हैं। अब आप बोलोगे इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब सिर्फ यही है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, उस पे आईडी पासवर्ड है या नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं, कोई और सिक्योर्ड सिस्टम वो यूज कर रहे हैं या नहीं। तो उसके अलावा भी यू नीड टू चेक नंबर ऑफ थिंग्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, मतलब आपको और भी बहुत सारी चीजें चेक करनी है, सारे रजिस्टर्स मेंटेन है, क्या क्या क्राइटेरिया है इनपुट्स का और आउटपुट जनरेशन का, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन टेक इट और यू कैन इवेल्युएट व्हेन वी आर डूइंग इंटरनल कंट्रोल्स। इंफॉर्मेशन ऑडिटेड मे बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन आप ऑडिट कर रहे हो वो फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल नेचर की भी हो सकती है। दैट मीन्स यू कैन चेक अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे मैंने अभी आपको वो वाला एग्जाम्पल दिया, आप यूजर आईडी पासवर्ड ये सब चेक कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपका PNL, बैलेंस शीट, आपके जो भी अकाउंटिंग अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं दैट यू कैन चेक, बट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स विल आल्सो बी देयर। आपको ये देखना है ऑथराइज्ड पर्सन प्रॉपरली, उसने जहां जहां उसके सिग्नेचर की जरूरत थी क्या उसने साइन किए हैं, ऐसा तो नहीं है जो बंदा साइन कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे या फिर कोई ऑथराइजेशन दे रहा है वो खुद उस चीज के लिए ऑथराइज ही नहीं है। लेट्स सपोज स्टॉक कीपर है, जो स्टॉक, जिसके पास स्टॉक का हिसाब किताब है, और स्टोर रूम से जाके कोई भी स्टॉक, अगर कोई भी स्टोर रूम से जाकर कोई भी स्टॉक की किसी को नीड है, लेट्स सपोज किसी भी तरह की कोई नीड है स्टॉक की, इन्वेंट्री की, किसी ने कुछ इश्यू करवाया, तो जो उस आइटम को किसी भी डिपार्टमेंट को इश्यू कर रहा है क्या उसके पास ऑथराइज ही, वेदर ही दैट पर्सन इज ऑथराइज और नॉट। तो इंफॉर्मेशन ऑडिटेड मे बी फाइनेंशियल या फिर वो नॉन फाइनेंशियल होगा। तो ये सोच के चलिएगा कि जब हम ऑडिटर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस नहीं कर रहे, हम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर। आपको अपने कान, अपनी आंखें खुली रखनी है व्हाइल यू आर डूइंग द ऑडिट। सो देयर शुड बी क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर, आपको हर तरह से। और मैं आपको ये चीजें बताऊंगी जब हम SA 200 पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें ध्यान में रख के चलनी है
जब ऑडिटर ऑडिटिंग करने जाएगा, क्या बेसिक प्रिंसिपल उसको फॉलो करने जरूरी है? ऑडिटर शुड बी कंपीटेंट, वो काबिल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट उसका ऑर्गेनाइजेशन से। ऐसा ना, अरे मेरे रिश्तेदार की तो कंपनी है, चल यार मैं तो जाऊंगा और ऑडिट में कुछ भी रिपोर्ट में अच्छा अच्छा लिखे। अगर कंपनी गेट टू नो आई एम रिलेटिंग एनी हाउ विद द कंपनी, आई एम नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। हम इसे समझेंगे जब हम ये समझेंगे कि कौन कौन लोग ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्वालिफिकेशन तो जैसे हमें पता है, ही कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर दी किस तरह का ऑडिट करने वाले। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेना देना नहीं होना चाहिए, ही सपोज टू बी इम्पार्शियल, क्वालिफाइड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और सीओपी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में। सोचने वाली बात है यार, अभी तो मैंने इतना बताया कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट करता है, ऑडिटिंग के लिए बाहर से हम किसी को बुलाते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम समझते चले जाते हैं छोटा छोटा। मैं इसमें बिल्कुल स्ट्रेटली आपको एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग का मतलब है इवेंट्स और ट्रांजेक्शन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए क्या क्या इवेंट्स होते जा रहे हैं, उनको पता, उनको एनालाइज करना, उनको रिकॉर्ड करना, सारे ट्रांजेक्शन को, दैट इज अकाउंटिंग। और दूसरी चीज, अकाउंटिंग खत्म होती है, ऑडिटिंग तो तभी स्टार्ट होती है ना। हमें अकाउंट्स भी तो चेक करने हैं, जब तक अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होगी ऑडिटिंग कैसे हो सकती है? तो वी कैन अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। अकाउंटिंग खत्म होने के बाद ऑडिटिंग शुरू होती है। तो अकाउंटिंग मीन्स एनालाइज इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन, ऑडिटिंग मीन्स रिव्यू क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये अभी मैंने समझाया है। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड एंड समराइज डेटा इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जबकि आपको ऑडिट करते टाइम इवैल्यूएशंस करनी है, वेरिफिकेशंस करनी है, इन्वेस्टिगेशंस करनी है, एंड यू नीड टू टेक आउट द एविडेंस। आपको अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है और ऑडिटिंग में आपको ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स को दिखानी है बाय द मैनेजमेंट, और यहाँ पे आपको ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को डिलीवर करनी है। आप मैनेजमेंट को भी दोगे ऑडिट रिपोर्ट इन ऑर्डर टू टेल देम कि आपने क्या फाइंड आउट किया है। अकाउंटिंग एंड होती है, ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। ऑडिटिंग स्टार्ट कब होती है? जब अकाउंटिंग खत्म होती है। तो अगर मैं अब बात करूं तो आई थिंक आपको इसमें बहुत कुछ समझ आ गया होगा कि ऑडिटिंग है क्या बेसिक। तो यहाँ पे मेरा पर्पस था आप लोगों को यहाँ पे ये समझाना कि एक्चुअली ये ऑडिटिंग है क्या, और ये सब्जेक्ट क्या आपको पास ऑन करना चाहता है, आपको क्या समझाना चाहता है। अकाउंटिंग तो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, दैट वी नो व्हाट इज अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट, दैट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, वी नो ऑल दैट, क्लासिफिकेशन, वी नो एवरीथिंग। बट ऑडिटिंग कब शुरू होती है? जब अकाउंटिंग खत्म होती है। तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको एक एक स्टेप में पता चलेगा, और ऑडिटिंग का मजा और आता है जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हो, जब आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू डू फॉर योर इंटर्नशिप। तो आपको ऑडिटिंग जो अभी हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, आपको इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी पता चलते हैं। एंड एट द सेम टाइम जब भी आप ऑडिटिंग या समझ के जाओगे, आई विल गिव यू नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कि कैसे ऑडिट को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो जब आप ऑडिटिंग करने जाते हो, या फिर आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का भी, इन ऑर्डर टू नॉट टू मेक इस सब्जेक्ट को कहीं पे भी आपको बोरिंग फील नहीं होगा। द रीजन इज हमें प्रैक्टिकली समझना है कि ऑडिट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आज की इस क्लास में आपको अच्छे से समझ आया होगा व्हाट इज ऑडिटिंग इज ऑल अबाउट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you in next class.